हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और टेस्टी आइसक्रीम, पाइनएप्पल आइसक्रीम, वो भी फ्रेश पाइनएप्पल के साथ। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा यम्मी है और एकदम मार्केट वाले आइसक्रीम जैसे। इसमें ना तो हम GMC का यूज़ करेंगे, ना ही CMC और ना ही कस्टर्ड पाउडर के साथ। बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड माउथ मेल्टिंग आइसक्रीम। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप पाइनएप्पल की पीसेस, उसके अलावा 1/4 कप शुगर है। तो सबसे पहले हम पाइनएप्पल क्रश बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें डाला है 1/4 कप पाइनएप्पल की पीसेस। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे हल्का दरदरा भी रख सकते हैं, बट ग्राइंड करते समय हमें पानी नहीं यूज़ करना है। अभी मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अभी मैंने रखा एक पैन और उसमें मैंने डाला है ग्राइंड किया हुआ पाइनएप्पल और 1/4 कप शुगर। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। अभी शुगर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होते ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। उसके बाद इसे हमें अच्छे से गाढ़ा होते तक पकाना है। यहाँ पे हम पाइनएप्पल क्रश बना रहे हैं तो इसे हम तुरंत ही यूज़ करेंगे, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा करेंगे, देन हम इसको यूज़ करेंगे। अब ये पक गया है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। उसके अलावा ये है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और 1/4 कप कंडेंस मिल्क है और कुछ पाइनएप्पल के पीसेस हैं। उसके अलावा ये है पाइनएप्पल का क्रश जिसे अभी हमने बना लिया और ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। और ये है येलो फूड कलर और पाइनएप्पल एसेंस जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अभी मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैंने डाला है व्हिपिंग क्रीम। ये 1 कप है, ये पिघला हुआ है बट ये ठंडा है। अभी मैंने लिया है हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ, फेंट रही हूँ। तो हमें फेंटते समय पहले स्लो स्पीड पे फेंटना है, फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करना है। अभी मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है, आधा ही अभी मैंने इसे फेंटा है। अभी मैंने इसे अराउंड 5 मिनट तक फेंटा है। उसके बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है और आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें 1/4 कप शुगर पाउडर या टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर डालकर भी आप इसे फेंट सकते हैं, वैसे भी टेस्ट अच्छा ही लगेगा। अभी इसको हमें तब तक फेंटना है जब तक कि ये फूल के दुगना और गाढ़ा नहीं हो जाता है, और बीच बीच में हमें मशीन को रोकना है, अदरवाइज मशीन गर्म हो जाएगा। अब ये हो चुका है, अब मैं हैंड ब्लेंडर को साइड में कर दे रही हूँ। अब जो हमारा पाइनएप्पल क्रश है मैं उसको इसमें डाल रही हूँ। पहले मैंने 2 टीस्पून जितना डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमें अभी हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम स्पून से या स्पैचुला से इसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा पाइनएप्पल क्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जैसा आपको पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने पूरा डाला है, पूरा डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे पाइनएप्पल की जगह आप कोई भी फ्रूट का क्रश यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको जो भी फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना है आप वो फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेरे पास लिक्विड कलर नहीं है इसलिए मैंने पाउडर को ही थोड़े से पानी में मिक्स किया है। उसके बाद मैं 1/2 टीस्पून पानी डाल रही हूँ। मैंने कलर बहुत कम यूज़ किया, आपको जैसा कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कलर डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छा ही लगता है, बस कलर नहीं आएगा। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस। पाइनएप्पल एसेंस भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, हम फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्लेवर इसमें आ जाता है और टेस्ट अच्छा लगता है। आपको और पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए तो आप एसेंस डालना, मैंने 2-3 ड्रॉप एसेंस डाला है। अब मैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें मैं कुछ पाइनएप्पल के पीसेस भी डाल रही हूँ। पाइनएप्पल का जब हम आइसक्रीम खाते हैं इसके पीसेस मुंह में आते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैंने इसमें कुछ पाइनएप्पल के पीसेस डाल दिए हैं, डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद कोई भी एयर टाइट हमें बॉक्स लेना है, चाहे प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कांच का हो, जो भी हो, बट एयर टाइट होना चाहिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आइसक्रीम। पहले मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम डाला है, डालने के बाद मैं इसको हल्का टैप कर रही हूँ, इस तरीके से टैप करने के बाद अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल के पीसेस डालकर, फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी बचा पूरा आइसक्रीम डाल दे रही हूँ। आप देख सकते केवल 1 कप व्हिपिंग क्रीम था और 1/4 कप कंडेंस मिल्क था। आप देख सकते
एक कप व्हिपिंग क्रीम में कितना सारा आइसक्रीम बनके रेडी है। अभी ऊपर से मैं कुछ और पाइनएप्पल के पीसेस डाल रही हूँ। उसके बाद इसे सिल्वर फॉइल से अच्छे से पैक करना है। सिल्वर फॉइल या क्लीन रैप आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको अच्छे से पैक करना ज़रूरी है, अदरवाइज ऊपर आइस आएगा। अभी मैंने इसको पैक करके इसको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। फ्रीज़र में तब तक रखना है जब तक कि अच्छे से सेट नहीं हो जाता है। इसे मैंने रात भर के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। अभी नेक्स्ट डे मैं आपको आइसक्रीम ओपन करके दिखा रही हूँ। और ये आइसक्रीम सेट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अभी मैं आपको आइसक्रीम ओपन करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं लुक वाइज ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी मैं आपको स्पून से भी निकाल के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूपर नहीं है तो आप इस तरीके से स्पून से भी आइसक्रीम को स्कूप आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए, लग रहा है ना एकदम मार्केट वाले आइसक्रीम जैसे, सॉफ्ट एंड माउथ मेल्टिंग। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी पाइनएप्पल आइसक्रीम ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।